हेलो दोस्तों, बॉली क्रेजी मूवी एक्सप्लेन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मस्ती, धमाल और फाइटिंग से भरपूर मूवी डेडपूल 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपको बता दें कि इसका ऑफिशियल नेम डेडपूल एंड वुल्वरीन है, जो इस साल की मार्वल की इकलौती मूवी है। इस मूवी की सबसे खास बात इसके फाइटिंग सीन्स और डायलॉग हैं, जो आपको सीट से एक मिनट के लिए भी नहीं उठने देंगे। खैर, आपने इस मूवी को थिएटर्स में नहीं देखा तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपके लिए आज की वीडियो में डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आप घर पर बैठकर ही इस मूवी को एंजॉय कर सकें। और हां, आपको मूवी एक्सप्लेन पसंद आए तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बगैर देर किए शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले डेडपूल को देखते हैं, जो फोर्थ वॉल को ब्रेक करने के बाद हमसे बात करता है और हमें बताता है कि वो यहां पर वुल्वरीन को लेने आया है। और इसके बाद डेडपूल को उस जगह पर देखते हैं जिस जगह पर लोगन मूवी के अंदर वुल्वरीन को दफनाया गया था। दरअसल डेडपूल को विश्वास होता है कि वुल्वरीन के शरीर में अपने आप को ठीक करने की शक्तियां थी और इसीलिए वो अब भी जिंदा होगा। लेकिन जब डेडपूल उस जगह को खोदता है तो उसे गड्ढे में केवल वुल्वरीन का कंकाल मिलता है, जिसे देखकर डेडपूल थोड़ा निराश हो जाता है। हालांकि डेडपूल यहां भी अपने मजा के अंदाज में नजर आता है और वुल्वरीन के कंकाल को अपने पास बैठा लेता है और उसके साथ बातें करने लगता है। डेडपूल कंकाल से इस अंदाज में बात करता है कि लंबे समय से बिछड़ा दोस्त उसे मिल गया हो। वो कहता है कि उसे वुल्वरीन की बहुत जरूरत है। हालांकि डेडपूल को वुल्वरीन की जरूरत क्यों है, ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। हालांकि इसी दौरान वहां पर टीवीए के कई सारे पोर्टल्स खुलने लगते हैं और उनके अंदर से राइफल से लैस टीवीए के कमांडोज बाहर आने लगते हैं और डेडपूल को घेर कर पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन डेडपूल तो डेडपूल ठहरा, वह कहां किसी के हाथ में आने वाला था, और वो भी टीवीए के कमांडोज से भिड़ जाता है। हमें यहां शानदार फाइटिंग सीन्स देखने को मिलते हैं, जहां डेडपूल सभी को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। हालांकि जिस टाइम पर डेडपूल और टीवीए कमांडोज की फाइट चल रही होती है, उसी दौरान डेडपूल दोबारा से फोर्थ वॉल को ब्रेक कर देता है और दोबारा से दर्शकों से बात करना शुरू कर देता है। डेडपूल हम सबसे कहता है कि वो जानता है कि फैंस को ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही होंगी और ये सब कुछ फैंस के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला होगा कि आखिर डेडपूल यहां कैसे आया और आखिर वह वुल्वरीन को क्यों ढूंढ रहा है और उसे वुल्वरीन की जरूरत क्यों है और टीवीए उसे पकड़ना क्यों चाहता है। इसके बाद डेडपूल हमें फ्लैशबैक में ले जाता है और ये समय होता है साल 2018 का। हम देखते हैं कि इस कहानी की शुरुआत 14 मार्च 2018 में उस समय हुई थी जब डेडपूल 2 की एंडिंग हुई थी। उस टाइम पर केबल का जो टाइम मशीन का डिवाइस था वह पूरी तरह से खराब हो गया था, लेकिन बाद में टीएनएज, वारहेड और यूके ने मिलकर उस डिवाइस को ठीक कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो टाइम मशीन वाला डिवाइस ठीक हुआ, वैसे ही डेडपूल ने उसे अपने हाथों में ले लिया था और अब डेडपूल तो डेडपूल ठहरा, इसलिए उसने उसका इस्तेमाल करके बहुत सारे कांड करना शुरू कर दिया और टाइम मशीन की मदद से अलग अलग यूनिवर्स यानी अलग अलग अर्थ में जाकर खूब धमाल मचाया। डेडपूल ने अपने पास्ट वाले वेरिएंट्स को मारना स्टार्ट कर दिया और साथ ही अपनी गर्लफ्रेंड वनीसा को बचाने के लिए उसने वनीसा के किलर को भी मार दिया, जिसके बाद वनीसा जिंदा बच गई। लेकिन इसके बाद हमें यह पता लगता है कि डेडपूल की धमाचौकड़ी करने के कारण टाइम लॉन्स के अंदर गड़बड़ी स्टार्ट हो गई और फिर इसीलिए टीवीए भी एक्शन में आ गया और टीवीए के कमांडोज ने डेडपूल को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन वहीं डेडपूल की बात करें तो वो अपनी लाइफ में बहुत खुश रहने लगा था, क्योंकि टाइमलाइन में गड़बड़ी करने की वजह से उसने न सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड वनीसा को जिंदा कर लिया था, बल्कि अपने सारे दोस्तों को भी इकट्ठा कर लिया था। इसी दौरान हम यह भी देखते हैं कि डेडपूल अपने टाइम मशीन डिवाइस का यूज करके कुछ समय के लिए अर्थ नंबर 616 में जाता है। ये वो अर्थ, वो टाइमलाइन है जहां पर एवेंजर्स की टीम है और वो हर हाल में एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन करना चाहता है, ताकि अपनी जिंदगी को एक मीनिंग दे सके। डेडपूल अर्थ नंबर 616 में हैप्पी होगन से मिलता है, जो पहले आयरन मैन का बॉडीगार्ड था और अब आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क के मरने के बाद उसकी कंपनी होगन ही संभालता है। डेडपूल कहता है कि मैं एवेंजर्स की टीम में शामिल होना चाहता हूं, पर हैप्पी होगन साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि वो एवेंजर्स की टीम में दुनिया को बाहरी ताकतों से बचाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए शामिल होना चाहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड की नजरों में ये साबित कर सके कि वो कोई अच्छा काम कर रहा है। एवेंजर्स की टीम में शामिल नहीं हो पाने से निराश डेडपूल दोबारा अपने यूनिवर्स में लौट आता है, जिसके बाद वो गुस्से में अपने टाइम ट्रेवल करने वाले गैजेट को तोड़ देता है। वहीं उसकी गर्लफ्रेंड से अब उसका ब्रेकअप भी हो चुका है। इसके बाद डेडपूल अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, इसीलिए वो अब सुपर हीरो की जिंदगी को बाय बाय कर देता है और एक आम इंसान की तरह रहता है और अपने दोस्त के साथ एक कार शोरूम में काम करता है। अब हम देखते हैं कि एक दिन डेडपूल का बर्थडे आता है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए सभी दोस्त उसके घर आते हैं। लेकिन जैसे ही डेडपूल केक काटने वाला होता है,
तभी उसके घर के बाहर टीवीए के कमांडोज आ जाते हैं और जैसे ही डेडपूल दरवाजा खोलता है वो उसको पकड़ लेते हैं और तभी एक पोर्टल खुलता है और टीवीए के कमांडोज डेडपूल को उसके अंदर ले जाते हैं। आपको बता दूं कि कमांडोज डेडपूल को पकड़कर टीवीए के हेडक्वार्टर में ले आते हैं। दरअसल टीवीए एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो इस दुनिया की हर एक टाइमलाइन को कंट्रोल करता है और इनका हेडक्वार्टर स्पेस के अंत में होता है। यहाँ डेडपूल के सामने एक ऑफिसर आता है जिसका नाम पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स डेडपूल से मिलकर उसे सब कुछ समझाता है कि आखिरकार टीवीए क्या है और ये कैसे काम करती है। पैराडॉक्स की बातें सुनकर डेडपूल को ये समझ में आ जाता है कि उसे टीवीए के कमांडोज इसलिए उठाकर लाए हैं क्योंकि उसने केबल के टाइम मशीन डिवाइस का यूज करके टाइम लाइन्स के अंदर गड़बड़ी की थी। बातों ही बातों में पैराडॉक्स डेडपूल को एक ऑफर देता है और कहता है कि टीवीए में वह केवल एक एम्प्लॉय है और जो टीवीए को चलाते हैं यानी उसके सीनियर्स तुम्हें अर्थ नंबर 616 में भेजकर वहां की एवेंजर्स की टीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में तुम उस दुनिया को बचाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करोगे। पैराडॉक्स डेडपूल से ये बोलता है कि वो अर्थ 616 में चले जाए और अपनी आगे की लाइफ को वहीं पर जाकर बिताए। यह बात सुनकर डेडपूल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और फिर वो टीवी हेडक्वार्टर में कपड़े सिलने वाले एक टेलर को देखता है और उस टेलर से वो अपने लिए डेडपूल सूट बनवा लेता है। साथ ही साथ डेडपूल को बहुत ही स्पेशल धातु एडमेंटम से बनी दो तलवारें भी दी जाती हैं। इसके बाद पूरी तरह से तैयार और मस्ती में नाचते हुए डेडपूल पैराडॉक्स के पास आता है और उससे कहता है कि अब तो मुझे जल्दी से मेरे यूनिवर्स के अंदर भेज दो ताकि वहां पर जाकर मैं अपने दोस्तों से मिलकर उन्हें बता सकूं कि अब मैं कुछ समय के लिए अर्थ नंबर 616 में जा रहा हूं ताकि मैं वहां पर भी अपनी हीरोगिरी दिखा सकूं। पैराडॉक्स डेडपूल की इस बात को सुनकर कहता है कि बहुत ही जल्द तुम्हारी यूनिवर्स यानी कि तुम्हारी अर्थ खत्म होने वाली है इसलिए वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। अब इसके आगे पैराडॉक्स डेडपूल को यह भी बताता है कि उसके यूनिवर्स का नाम 105 है और इसी के साथ हमें यह भी पता चलता है कि असल में डेडपूल का जो यूनिवर्स है वही यूनिवर्स वुल्वरिन का है यानी कि साल 2017 में लोगन मूवी के अंदर हमें जो वुल्वरिन दिखाया गया था वो डेडपूल के यूनिवर्स में ही था। इसके बाद पैराडॉक्स डेडपूल को बताता है कि तुम्हारा यूनिवर्स धीरे धीरे खुद ही खत्म होते जा रहा है और अब केवल 72 घंटे यानी 3 दिन के भीतर ही तुम्हारे यूनिवर्स का नामो निशान मिट जाएगा इसलिए तुम अपने यूनिवर्स में वापस नहीं जा सकते हो। यह सुनकर डेडपूल पैराडॉक्स से पूछता है कि मेरा यूनिवर्स आखिर खत्म क्यों हो रहा है। इस पर पैराडॉक्स उसे बताता है कि तुम्हारा यूनिवर्स इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि उसका एंकर बीइंग यानी ध्रुव शक्ति खत्म हो चुकी है। पैराडॉक्स की ये बातें डेडपूल को समझ नहीं आती और इसीलिए वो पैराडॉक्स से इसके बारे में एक बार फिर पूछता है जिस पर पैराडॉक्स उसे समझाते हुए कहता है कि असल में जितने भी यूनिवर्स हैं उन सभी के अंदर एक ध्रुव शक्ति होती है जो अर्थ को कंट्रोल करती है लेकिन अगर ये ध्रुव शक्ति मिट जाए या फिर खत्म हो जाए तो पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाता है। पैराडॉक्स आगे बोलता है कि डेडपूल अब तुम्हारे यूनिवर्स की बात करें तो वहां के अंदर की जो ध्रुव शक्ति है वो और कोई नहीं बल्कि लोगन ही था जो मर चुका है और उसके मरने के साथ ही तुम्हारा यूनिवर्स भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया था और अब कुछ ही घंटों में वह पूरी तरह मिट जाएगा। यह सुनकर डेडपूल पैराडॉक्स से कहता है कि तुम्हें कुछ भी करके इस तबाही को रोकना होगा लेकिन यहाँ पर डेडपूल की बातें सुनकर पैराडॉक्स उसे बताता है कि असल में वो इस तबाही को रोकना नहीं चाहता है बल्कि वो तो इस तबाही को होने देना चाहता है। और इसके बाद पैराडॉक्स डेडपूल को एक मशीन दिखाता है जिसका नाम होता है टाइम रीपर मशीन जो एक ऐसी मशीन होती है जो कि एक ही झटके में किसी भी यूनिवर्स को खत्म कर सकती है। इसके बाद पैराडॉक्स डेडपूल को बताता है कि जब भी कोई यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म होता है तो मुझे मजा नहीं आता बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि धीरे धीरे खत्म होते यूनिवर्स को एक ही झटके में मिटा दूँ। फिर होशियारी बताते हुए पैराडॉक्स कहता है कि ये जो टाइम रिपर मशीन है ये मैंने खुद बनाई है ताकि जो भी यूनिवर्स धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं उन सबको मैं एक ही झटके में मिटा कर रख दूँ और इसीलिए जब ये मशीन तैयार हो जाएगी तब मैं तुम्हारे यूनिवर्स को भी सिर्फ एक ही सेकंड में मिटा कर रख दूंगा। पैराडॉक्स की इन बातों को सुनकर डेडपूल को बहुत गुस्सा आता है और फिर वह मन ही मन में डिसाइड करता है कि अगर वुल्वरिन में उसके यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति है तो वह उस ध्रुव शक्ति को बनाए रखने के लिए दूसरे वुल्वरिन को अपने यूनिवर्स में लेकर आएगा। और इसके बाद डेडपूल अपनी स्पीड और तलवार का कमाल दिखाते हुए पैराडॉक्स की ढुलाई करता है और उसके हाथ से टेम्पर्ड लेकर अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। टेम्पर्ड एक ऐसा गैजेट है जिससे कोई भी किसी भी दुनिया में ट्रेवल कर सकता है और अब डेडपूल सबसे पहले उस जगह जाता है जहां पर लोगन यानी कि वुल्वरिन को दफनाया गया था।
इसके साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी सीधे वहीं पर आती है जहां पर डेडपूल टीवी एक एक कमांडो से फाइट कर रहा था। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि डेडपूल एक एक करके सारे टीवी कमांडोज को जान से मार देता है और फिर वो एक बार फिर से वुल्वरीन की तलाश शुरू कर देता है। अब हम मूवी में देखते हैं कि डेडपूल वुल्वरीन को ढूंढने के लिए बहुत सारे यूनिवर्स में जाता है। इस दौरान वो एक ऐसे यूनिवर्स में जाता है जिस यूनिवर्स का वुल्वरीन बहुत ही छोटा सा होता है, यानी कि उम्र में ही नहीं बल्कि हाइट में भी। वहीं उसे एक ऐसा वुल्वरीन भी मिलता है जिसके दोनों हाथ ही नहीं होते हैं। इसके अलावा एक वुल्वरीन ऐसा मिलता है जिसकी एक ही आंख होती है। इस तरह डेडपूल वुल्वरीन की खोज में कई यूनिवर्स में घूमता है, लेकिन कोई भी वुल्वरीन उसके साथ आने को तैयार नहीं होता है और उसे मार पीट कर भगा देते हैं। लेकिन आखिर में डेडपूल एक ऐसे वुल्वरीन के पास पहुंचता है जो एक बार के अंदर बैठा होता है, जो पूरी तरह से हताश और निराश होता है। दरअसल उसके जो म्यूटेंट साथी थे उनकी मौत का जिम्मेदार वो खुद को समझता है। वो हमेशा कहते थे कि तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ, लेकिन वो कभी उनकी टीम में शामिल नहीं हुआ। जिसके बाद यहाँ के जो लोग थे जो कि म्यूटेंट के खिलाफ थे, उन्होंने सबको मार दिया, जिसके बाद वुल्वरीन ने गुस्से में बहुत सारे आम इंसानों को मार दिया था। डेडपूल बार में बैठे इस वुल्वरीन को देखकर सोचता है कि शायद ये वाला वुल्वरीन उसके लिए परफेक्ट है, जिसे वो अपने यूनिवर्स में ले जा सकता है। इसके बाद डेडपूल वुल्वरीन को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन ये वाला वुल्वरीन भी उसके साथ चलने से मना कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद ही वुल्वरीन दारू पीकर बेहोश हो जाता है। तब डेडपूल बड़ी आसानी से वुल्वरीन को घसीटकर टीवीए के पोर्टल के जरिए सीधे पैराडॉक्स के पास लाता है, जहां डेडपूल पैराडॉक्स से कहता है कि मैं एक दूसरे वुल्वरीन को ले आया हूं, इसलिए अब तुम जल्दी से हम दोनों को मेरे यूनिवर्स में भेज दो और इस वाले वुल्वरीन को मेरे यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति बना दो, जिससे मेरा यूनिवर्स खत्म होने से बच सकेगा। लेकिन पैराडॉक्स कहता है कि एक अर्थ यानी कि एक टाइमलाइन की ध्रुव शक्ति को दूसरी टाइमलाइन की ध्रुव शक्ति से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। यह सुनकर डेडपूल कहता है कि मैं अथॉरिटी से इस बारे में बात करूंगा। लेकिन जब पैराडॉक्स इस बात को सुनकर टेंशन में आ जाता है, क्योंकि पैराडॉक्स गलत तरीके से अर्थ नंबर 105 को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था, जो कि रूल्स के खिलाफ है, जबकि रूल्स के मुताबिक उस अर्थ को हजारों साल में खत्म होना था। और अब डेडपूल को यह बात पता चल जाती है, इसीलिए वो पैराडॉक्स से कहता है कि मैं अथॉरिटीज को सब कुछ बता दूंगा। पैराडॉक्स यह बात सुनकर घबरा जाता है और अब वो डेडपूल और वुल्वरीन को वाइल्ड में भेज देता है, जो समय के अंत में एक जगह होती है। वाइल्ड के अंदर आते ही वुल्वरीन का नशा टूटता है और फिर गुस्से में डेडपूल से कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ फंस गया हूँ, और यह बोलते ही वो डेडपूल पर हमला कर देता है, जिसके बाद दोनों में खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। डेडपूल वुल्वरीन के बीच की ये फाइट बहुत ही कमाल की होती है। इन दोनों की लड़ाई काफी देर तक चलती है। आखिर में डेडपूल वुल्वरीन से कहता है कि अब उन दोनों को नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि साथ में मिलकर काम करना चाहिए। उसके बाद डेडपूल कहता है कि टीवी उसके यूनिवर्स को खत्म करना चाहता है और इसीलिए हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम यूनिवर्स को बचा सकें। हालांकि यह बात सुनने के बाद भी वुल्वरीन उसका साथ देने से मना कर देता है। इसके बाद डेडपूल कहता है कि टीवीए वाले यदि मेरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं तो वो तुम्हारी दुनिया को ठीक भी कर सकते हैं, जिसे सुनकर वो रुक जाता है। और तभी यहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम जॉनी स्टेम है और वो इस दुनिया में सुपर फोर ग्रुप का हिस्सा है। वो उन दोनों से कहता है कि यहां पर घूमना ठीक नहीं है, क्योंकि यहां पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है जिसका नाम अलाई है, और अगर वो तुम्हें देखेगा तो वो तुम्हें खा जाएगा। लेकिन अगर तुम उससे बच भी गए तो यहाँ पर एक गंजी डायन रहती है जिसका नाम है कैसेंड्रा नोवा, और वो इतनी पावरफुल है कि वो तुम लोगों को एक ही झटके में मार सकती है। इसलिए इन दोनों ही चीजों से बचना बहुत मुश्किल है। वो आगे कुछ बोलता उसके पहले ही वहां कई गाड़ियां आ जाती हैं और उनके अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो सभी कैसेंड्रा नोवा के आदमी होते हैं। उन सबको देखकर जो अनजान आदमी होता है वो भी डेडपूल और वुल्वरीन के साथ मिल जाता है। और फिर जब वो अपने चेहरे से कपड़ा हटाता है तब हमें पता लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एक्टर क्रिस एवांस है, यानी कि अपने कैप्टन अमेरिका। लेकिन यहाँ पर जो क्रिस एवांस होते हैं वो फैंटास्टिक फोर के जॉनी स्टर्म होते हैं, यानी कि वह ह्यूमन टॉर्च हैं, जिसे सालों पहले फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर क्रिस एवांस ने प्ले किया था। इसके बाद कैसेंड्रा नोवा के आदमी इन तीनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन्हें रस्सी से बांधकर कैसेंड्रा नोवा के पास ले आते हैं। यहाँ पर जैसे ही इन तीनों को लाया जाता है, वैसे ही हम ये देखते हैं कि जो कैसेंड्रा नोवा का अड्डा होता है, जो एक बड़े से एंटमैन की बॉडी के अंदर होता है, यहाँ पर कैसेंड्रा के कई सारे आदमी होते हैं जो कि सालों से उसकी गुलामी कर रहे होते हैं, और इन सभी गुलामों में बहुत सारे म्यूटेंट्स भी होते हैं। यहाँ पर लाने के बाद कैसेंड्रा तीनों से मिलने आती है, लेकिन जब डेडपूल जैसे ही उसे अपने सामने देखता है
वैसे ही वो उसे ह्यूमन टच के बारे में भड़काने लगता है और वो उससे कहता है कि ह्यूमन टच ने हमें तुम्हारे बारे में ही बताया था कि तुम एक गंजी और पागल औरत हो जो कि बिल्कुल डायन जैसी हो। डेडपूल और भी कई सारी बातें बोलता है जिन्हें सुनकर कैसेंड्रा नोवा एक ही झटके में ह्यूमन टच की बॉडी से उसकी खाल खींच लेती है जिससे ह्यूमन टच की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद वो डेडपूल और वुल्वरिन को बताती है कि असल में उसका नाम कैसेंड्रा नोवा है और वो प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर की जुड़वा बहन है, लेकिन मेरे जन्म के कुछ समय बाद ही टीवीए वालों ने उसे यहाँ पर पटक दिया था। इसके बाद वो बोलती है कि वह यहाँ पर बहुत खुश है, इसीलिए वो सालों से यहीं पर रह रही है और अब से वो उन दोनों को भी अपना गुलाम बनाने वाली है। यह बात सुनकर वुल्वरिन को बहुत गुस्सा आता है और वो कैसेंड्रा पर हमला करने जाता है, लेकिन कैसेंड्रा बड़ी आसानी से वुल्वरिन को बिना हाथ लगाए जमीन के अंदर घुसा देती है। लेकिन इसके बाद ही वो देखती है कि अलाई यानी कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर उनके पास आ रहा है, जिसे देखकर वो वुल्वरिन और डेडपूल दोनों से कहती है कि अगर तुम दोनों मेरी गुलामी नहीं करोगे तो मैं तुम दोनों को इस मॉन्स्टर के हाथों मरने के लिए छोड़ दूंगी। और इसके बाद वो उन दोनों को वहीं पटक कर चली जाती है। दरअसल अलाई और नोवा के बीच में एक डील हुई है कि वो कभी भी नोवा को नहीं मारेगा, बदले में नोवा उसके खाने का इंतजाम करेगी। इधर मॉन्स्टर धीरे धीरे डेडपूल और वुल्वरिन के पास आ रहा होता है, तभी वे दोनों एक मशीन को देखते हैं और उसमें बैठकर वहां से उड़ जाते हैं और वहां से उड़ते हुए वे बहुत दूर आ जाते हैं, जहां दोनों देखते हैं कि उन दोनों के पास एक छोटा सा कुत्ता भागते हुए आ रहा है और वो छोटा सा डॉगी और कोई नहीं बल्कि डॉगी पुल होता है, यानी कि डेडपूल का डॉगी वर्जन। लेकिन फिर उसी डॉगी के पीछे पीछे एक दूसरा डेडपूल का वर्जन आता है जो कि अपना नाम नाइस पुल बताता है और वो डेडपूल और वुल्वरिन से कहता है कि यहां पर उसकी तरह और बहुत सारे डेडपूल के वर्जन हैं और उन सब से कैसेंड्रा नोवा अपना काम करवाती है, जिसका मतलब होता है कि वो सारे डेडपूल के वर्जन भी कैसेंड्रा की बातें मानते हैं। अब इन सब के बाद ही वुल्वरिन उस नाइस पुल से कहता है कि असल में वो और ये डेडपूल यहां से काफी दूर जा रहे हैं। यह सुनकर नाइस पुल उन दोनों को अपनी गाड़ी देता है और इसके बाद डेडपूल और वुल्वरिन दोनों नाइस पुल की गाड़ी में बैठकर बहुत दूर आ जाते हैं। लेकिन रास्ते में डेडपूल वुल्वरिन को बताता है कि मुझे नहीं पता कि टीवीए वाले तुम्हारी दुनिया और तुम्हारी टाइमलाइन को ठीक कर पाएंगे या नहीं, वो तो मैंने तुमसे ऐसे ही कह दिया था। जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक बार फिर से खतरनाक फाइट होती है। लड़ाई करते करते ये दोनों बेहोश हो जाते हैं और जब इन्हें होश आता है तो ये देखते हैं कि ये उस ग्रुप के पास है जो कि कैसेंड्रा नोवा के खिलाफ है। इस ग्रुप में चार मेंबर्स होते हैं जिनके पास अलग अलग तरह की शक्तियां होती हैं। यहां पर बातों ही बातों में इन लोगों को ये पता लगता है कि डेडपूल और वुल्वरिन कैसेंड्रा नोवा से बचकर जिंदा आ गए हैं और फिर इसीलिए चारों लोग ये सोचते हैं कि डेडपूल और वुल्वरिन सच में काफी ताकतवर हैं। और फिर इसके लिए वो लोग ये प्लान बनाते हैं कि अब वो सब मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे और कैसेंड्रा नोवा को ख़त्म कर देंगे क्योंकि उसने इस पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा आतंक मचा रखा है। इसके बाद वो सब मिलकर एक टीम बना लेते हैं और फिर वो सब कैसेंड्रा नोवा को मारने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग सीधा कैसेंड्रा नोवा के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन यहां पर कैसेंड्रा के जितने भी गुलाम होते हैं वो सभी उन सब से लड़ने के लिए सामने आ जाते हैं और इसके बाद उन सभी के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। इस दौरान वुल्वरिन को कैसेंड्रा नोवा अपनी पावर से काबू में कर लेती है, लेकिन वुल्वरिन के बाकी साथी कैसेंड्रा को हेलमेट पहना देते हैं जिससे उसकी सारी शक्तियां पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती हैं। अब यहां पर हमें पता लगता है कि असल में इन सभी ने यहां पर आने से पहले अपनी प्लानिंग बनाई थी। दरअसल इन सभी को पता था कि बेशक कैसेंड्रा नोवा के पास पहुंच भी जाए तब भी वो उन सभी को आसानी से खत्म कर देगी क्योंकि कैसेंड्रा के पास साइकिक पावर्स है और उसे अपने साइकिक पावर को यूज करने से तभी रोका जा सकता है जब उसके सर में मैग्नेटो का हेलमेट पहना दिया जाए। लेकिन कैसेंड्रा नोवा भी इस बात को जानती थी और इसके लिए जैसे ही उसकी दुनिया के अंदर एक मैग्नेटो आया था वैसे ही उसने उसे खत्म कर दिया था और उसके हेलमेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर इसके बाद डेडपूल ये आइडिया बताता है कि वो सभी मैग्नेटो के हेलमेट की जगह जगनोट के हेलमेट को यूज कर सकते हैं क्योंकि यहां पर जो जगनोट का वेरिएंट है वो कैसेंड्रा नोवा का गुलाम है और इसीलिए हमें किसी तरह से उसके हेलमेट को निकालकर कैसेंड्रा के सर में पहना होगा, जिसके बाद वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाएगी और हम उसे आसानी से खत्म कर सकेंगे। अब कहानी फिर से फाइट के अंदर आती है। जब वे लोग कैसेंड्रा नोवा को मारने वाले होते हैं तभी वे देखते हैं कि कैसेंड्रा का एक गुलाम उस पर गोली चला देता है और कहता है कि मुझे इसी टाइम का इंतजार था कि मैं एक दिन तुम्हें जान से मार पाऊं। लेकिन यहां पर वुल्वरिन जैसे ही ये देखता है वैसे ही वह जिस गुलाम ने गोली चलाई होती है उसे जान से मार देता है। लेकिन तभी वुल्वरिन और डेडपूल ये देखते हैं कि गोली लगने के कारण कैसेंड्रा उन दोनों के सामने मर रही होती है। यह देखकर वुल्वरिन को उस पर दया आ जाती है
क्योंकि वह उसके पुराने दोस्त चार्ल्स की जुड़वा बहन है। इसीलिए वो उसका हेलमेट उतरवा देता है, जिसके बाद कैसेंड्रा अपनी हीलिंग पावर से कुछ ही देर में ठीक हो जाती है और अब इन सब से इम्प्रेस हो चुकी है। इसीलिए वो तय करती है कि डेडपूल और वुल्वरीन को वो उसकी दुनिया में भेज देगी। इसके बाद वह उन दोनों से कहती है कि अब कुछ ही टाइम में मॉन्स्टर अलाय यहाँ पर आने वाला है और अगर वो यहाँ पर आ गया तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए वो ये चाहती है कि तुम दोनों यहाँ से निकलकर वापस अपने यूनिवर्स में चले जाओ। लेकिन वो दोनों ही पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। तब कैसेंड्रा नोवा उन्हें एक रिंग दिखाती है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की होती है और ये दिखाकर वो उन दोनों से कहती है कि काफी साल पहले यहाँ पर एक जादूगर आया था जिसका नाम डॉक्टर स्ट्रेंज था, जो काफी चालाक और ताकतवर था, लेकिन फिर भी मैंने उसे खत्म कर ही दिया और उसकी इस रिंग को अपने पास रख लिया था क्योंकि इससे कहीं पर भी आने जाने के पोर्टल्स खुल जाते हैं। और फिर ये बोलकर वो उन दोनों के लिए पोर्टल खोलती है, जिसके बाद डेडपूल और वुल्वरीन उस पोर्टल के जरिए सीधा अपने यूनिवर्स में वापस आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि कैसेंड्रा सीधा उसी आदमी के पास जाती है जिसने उस पर गोली चलाई थी और वो ये देखती है कि वो अभी भी जिंदा है। तब वह उससे पूछती है कि आखिरकार तूने मुझ पर गोलियां क्यों चलाई थी। ये सुनकर वो आदमी बताता है कि असल में टीवीए के अंदर जो पैराडॉक्स है उसने उसे ऐसा करने के लिए बोला था। इसके बाद वह आगे बताता है कि पैराडॉक्स ने लालच देते हुए कहा था कि यदि तू कैसेंड्रा को मार देगा तो वह उसे इस दुनिया से बाहर निकाल देगा। यह सुनकर कैसेंड्रा को बहुत गुस्सा आता है और फिर वह पैराडॉक्स को मारने के लिए सीधा पोर्टल खोलती है और वो भी डेडपूल के यूनिवर्स में आ जाती है, क्योंकि इस टाइम पर जो पैराडॉक्स था वो डेडपूल के यूनिवर्स में था। वहीं पैराडॉक्स ने डेडपूल के यूनिवर्स के अंदर अपनी मशीन को फिट कर दिया था और वो अपने टाइम रिपर मशीन से उस यूनिवर्स को उड़ाने वाला था। इसके बाद हम देखते हैं कि डेडपूल और वुल्वरीन के पीछे पीछे वहां पर कैसेंड्रा नोवा भी आ जाती है और वो सीधा पैराडॉक्स को पकड़कर उसके दिमाग को पढ़ने लगती है। और फिर उसके दिमाग को पढ़ने पर उसे ये पता लगता है कि असल में उसने एक ऐसी मशीन को बना लिया है जिससे कि किसी भी यूनिवर्स और टाइमलाइन की स्पीड को बढ़ाकर उसे खत्म किया जा सकता है। अब ये जानते ही कैसेंड्रा के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है। वो तय करती है कि इस दुनिया में जितनी भी अर्थ हैं, जितने भी मल्टीवर्स हैं, वह उन सबको इस मशीन से खत्म कर देगी। मात उसी की दुनिया बचेगी जिसका नाम वाइड है, जहां पर वह राज करेगी। लेकिन उसे पता है कि वुल्वरीन और डेडपूल उस मशीन को तबाह करने के लिए जाएंगे, इसीलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग को इस्तेमाल करके अलग अलग दुनिया से बहुत सारे डेडपूल्स को यहां पर बुला लेती है जो उसकी हर एक बात को सुनते हैं। कैसेंड्रा उन सबको डेडपूल और वुल्वरीन को मारने का आदेश देती है। इनमें से मात्र एक ही डेडपूल जिसका नाम नाइसपूल है, जिसने डेडपूल और वुल्वरीन को कार दी थी, वही इनका साथ देता है, पर वह भी जल्दी ही मारा जाता है क्योंकि उसके अंदर हीलिंग पावर नहीं होती है। इधर सभी मल्टीवर्स से आए डेडपूल्स के साथ डेडपूल और वुल्वरीन की खतरनाक फाइट होती है और दोनों उन सभी को मार भी देते हैं, लेकिन सबके अंदर हीलिंग पावर्स होती है इसीलिए सभी फिर से जिंदा होकर खड़े हो जाते हैं। और इससे पहले कि वो सब उन दोनों के ऊपर दोबारा हमला करते, यहाँ पर डेडपूल का बेस्ट फ्रेंड पीटर आ जाता है जो सभी डेडपूल्स को समझाता है कि ये हमारा दोस्त है, हम सब एक ही हैं। दरअसल हर एक दुनिया में डेडपूल का पीटर दोस्त होता है, इसीलिए सब उसकी बात मान जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसेंड्रा नोवा टाइम रिपर मशीन के पास जाती है जिसे डेडपूल और वुल्वरीन रोकने आते हैं, लेकिन वो एक ही झटके में उन दोनों को बहुत दूर फेंक देती है और अपने काम को पूरा करने के लिए निकल जाती है। डेडपूल और वुल्वरीन को समझ में आ जाता है कि वो कैसेंड्रा को नहीं रोक पाएंगे, तो सीधे पैराडॉक्स के पास आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आखिरकार हम इसे कैसे रोक सकते हैं, जिस पर पैराडॉक्स बताता है कि कैसेंड्रा बहुत ताकतवर है इसलिए वो लोग उसे नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हाँ वो लोग उस मशीन को जरूर रोक सकते हैं। पैराडॉक्स कहता है कि तुम्हें उस मशीन के पावर सोर्स तक पहुंचना होगा जो कि अंडरग्राउंड में है, जो मीटर और एंटीमीटर पर काम करती है। अगर तुम उसमें शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो वो मशीन रुक जाएगी, लेकिन जो भी ऐसा करेगा वो धमाके से मारा जाएगा। ये सुनकर डेडपूल और वुल्वरीन उससे कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि हमारे पास हीलिंग पावर है, लेकिन पैराडॉक्स कहता है कि ये मशीन सच में बहुत खतरनाक है, इसीलिए तुम दोनों में से जो भी इस मशीन में शॉर्ट सर्किट करेगा वो पूरी तरह से राख बन जाएगा और वो फिर से कभी ठीक नहीं हो पाएगा। अब ये सुनकर दोनों उस मशीन के नीचे जाते हैं ताकि वो उसके दोनों तारों को जोड़कर शॉर्ट सर्किट कर सकें, पर यहाँ पर डेडपूल वुल्वरीन को पीछे धकेल देता है और उसे कमरे में बंद कर देता है ताकि डेडपूल इस काम को अकेला करे और वुल्वरीन की जान न जाए। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब डेडपूल ऐसा कर रहा होता है तब उसे एक तार को खींचकर दूसरे तार तक लाने में बहुत दिक्कत हो रही होती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद ही वुल्वरीन दरवाजा तोड़कर डेडपूल के पास आ जाता है और फिर वो
एक हाथ से डेडपूल को पकड़ता है और दूसरे हाथ से दूसरे तार को पकड़ता है, जिसके बाद ही दोनों के तार पकड़ने की वजह से तारों का कनेक्शन मिल जाता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसके बाद ही वो मशीन भी बहुत जोरदार धमाके के साथ फट जाती है और इससे कैसेंड्रा भी मर जाती है और तो और डेडपूल और वुल्वरीन दोनों भी फट जाते हैं। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि डेडपूल और वुल्वरीन भी ठीक हो जाते हैं। इसके बाद पैराडॉक्स जब उनसे पूछता है कि आखिरकार वो दोनों कैसे बच गए, तब वो दोनों पैराडॉक्स को बताते हैं कि अगर उन दोनों में से कोई एक ऐसा कर रहा होता तो फिर वो जरूर खत्म हो जाता, लेकिन अब क्योंकि उन दोनों ने मिलकर ऐसा किया था इसीलिए उन दोनों के ऊपर धमाके का सिर्फ आधा ही हुआ और इसीलिए उन दोनों ने खुद को हिल कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि अब वहां पर उन सब के पास टीवीए की नई ऑफिसर आती है जिसके साथ बहुत सारे कमांडोज होते हैं और वो लोग पैराडॉक्स को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि पैराडॉक्स ने बिना टीवीए की जानकारी के ऐसी मशीन बनाई थी जिससे कि किसी भी यूनिवर्स को एक ही झटके में मिटाया जा सके। और इसीलिए यहां पर टीवीए की नई ऑफिसर पैराडॉक्स से कहती है कि अब टीवीए उसे सजा देगी। वहीं टीवीए की नई ऑफिसर डेडपूल और वुल्वरीन की तारीफ करते हुए कहती है कि उन दोनों ने कई यूनिवर्स को बचाया, इसलिए वो दोनों यहां से खुशी खुशी जा सकते हैं और अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही वो डेडपूल को बताती है कि अब तुम्हारी दुनिया यानी कि अर्थ नंबर 105 कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि वुल्वरीन ने यहां पर बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए अब तुम्हारी दुनिया यानी कि इस दुनिया का एंकर बींगे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि डेडपूल वुल्वरीन से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो भी उसके साथ उसकी फैमिली की तरह रह सकता है, जिसके बाद वुल्वरीन भी डेडपूल के साथ रहना स्टार्ट कर देता है। और फिर मूवी के फाइनल सीन्स के अंदर हम ये देखते हैं कि अब डेडपूल वुल्वरीन डेडपूल की गर्लफ्रेंड वनीसा और उसके सारे दोस्त एक साथ बहुत मजे करने लगते हैं और अब ये सब अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं और फिर इसी तरह से ये मूवी खत्म हो जाती है। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हम सभी डेडपूल को देखते हैं जो कि सीधा फोर्थ वॉल को ब्रेक करता है और हम फैंस से बातें करते हुए एक फुटेज दिखाता है जिसमें बताया जाता है कि जब वुल्वरीन और जॉनी यानी कि ह्यूमन टॉर्च को पकड़कर कैसेंड्रा के पास लाया गया था तब डेडपूल ने कैसेंड्रा से बोला था कि ह्यूमन टॉर्च ने उसके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोली थी और उसी बात को सुनकर कैसेंड्रा नोवा ने ह्यूमन टॉर्च को मार दिया था। लेकिन अब यहां पर इसी बात को क्लियर करते हुए डेडपूल बताता है कि असल में कैसेंड्रा नोवा ने ह्यूमन टॉर्च को उसके कहने पर नहीं मारा था, बल्कि इसके बजाय जब उन तीनों को पकड़कर लाया जा रहा था तब जिस गोल्ड से डिब्बे में उन्हें कैद किया गया था उसमें एक कैमरा लगा हुआ था जिस कैमरे के जरिए कैसेंड्रा नोवा डेडपूल वुल्वरीन और ह्यूमन टॉर्च की बातें सुन रही थी, इसी वजह से उसने ह्यूमन टॉर्च को मारा था। दरअसल पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर डेडपूल इस बात को साबित करता है कि ह्यूमन टॉर्च को मरवाने में उसका कोई हाथ नहीं है। तो दोस्तों आपको मूवी एक्सप्लेन कैसा लगा कमेंट्स लिखकर जरूर बताइए और यदि आपको मूवी एक्सप्लेन पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, जल्द ही एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आपसे जल्द मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।